हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन वर्कआउट नीटिंग। आज के वीडियो में गाइस ये वाला डिज़ाइन शेयर करेंगे हम आपके साथ। ये देखिए कितना प्यारा पैटर्न है, बहुत शानदार, बहुत ही आसानी से बन जाता है ये। जिनको कुछ भी नहीं बनाना आता वो भी इसको इजीली बना सकते हैं। बहुत शानदार पैटर्न है ये। देखिए बैक साइड से इसका लुक कुछ ऐसे नज़र आता है। इस पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि लेडीज़, जेंट्स, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा शॉल, मफलर वगैरह पर भी अप्लाई किया जा सकता है। ये 6 रो का पैटर्न है, 6 सिलाइयों में एक पैटर्न बन के कम्प्लीट हो जाता है। और इसको बनाने के लिए जब भी हमने स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं 6 के मल्टीपल में करके +3 +2, तो ऐसे स्टिच लेने हैं। हमने 3 स्टिच लेने हैं एक्स्ट्रा हमने पैटर्न को सेट करने के लिए, और 2 लेने हैं दोनों साइड एक एक एज स्टिच। राइट साइड से ये पैटर्न शुरू होता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने अपने नीडल पर 23 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। 18 स्टिचेस लिए हैं मैंने 3 पैटर्न के लिए, +3 लिए हैं पैटर्न को सेट करने के लिए, +2 लिए हैं दोनों साइड एक एक एज स्टिच। राइट साइड से शुरू होता है ये पैटर्न। फर्स्ट स्टिच को स्लिप कर लेंगे, धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3, तीनों को हमने बुनना नहीं है, ऐसे ही स्लिप कर लेने हैं बिना बुने। फिर से 3 फंदे हैं जो आगे हम बुन के लेंगे। यहाँ पर देखिए एज स्टिच को छोड़ के मैंने 3 फंदे उल्टे बनाए, फिर 3 फंदे स्लिप किए, 6 फंदे हो जाते हैं हमारे। इन्हीं 6 फंदों को हमने पूरी रो में बार बार रिपीट करते जाना है। पैटर्न रिपीट हो रहा है यहाँ पर, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद 3 फंदे स्लिप कर लेंगे, 1 2 3। यहाँ पर 2 पैटर्न हमारे सेट हो चुके हैं। तीसरा पैटर्न बनने जा रहा है 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, अब 3 फंदे स्लिप कर लेंगे, 1 2 3, लास्ट में 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, एज स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। सेकंड रो पर आ चुके हैं हम उल्टी साइड, एज स्टिच को स्लिप कर लेंगे और धागा पीछे कर लेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे बनाने के बाद 3 फंदों को स्लिप कर लेंगे, 1 2 3, एज स्टिच को छोड़ के यहाँ पर मेरे 6 फंदे हो चुके हैं। इन्हीं 6 फंदों को हमने रॉन्ग साइड से बार बार रिपीट करते जाना है। फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे स्लिप कर लेंगे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3, 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3। यहाँ पर मैंने जो फंदे स्लिप किए हैं हमने राइट साइड से भी वही फंदे स्लिप किए हैं, और जो हमने राइट साइड से उल्टे बनाए थे उनको हमने रॉन्ग साइड से सीधा बना लिया है। लास्ट में हमारे 3 फंदे बचेंगे, इनको सीधा बना लेंगे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करके एज स्टिच को उल्टा बना लेंगे। इस तरह हमारी सेकंड रो रॉन्ग साइड से कंप्लीट हो जाती है। अब हम आ गए हैं थर्ड रो पर, सीधी तरफ, सीधी तरफ से पूरी रो को हम सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। ऐसे सीधे फंदों की रो जो हमने बनानी है पूरी, जो फंदे हमने स्लिप किए हैं उनको भी हम सीधा बुनेंगे। तो ऐसे सीधे फंदों को बुनते हुए हमने पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। तो सीधा बुनते हुए ऑलमोस्ट मैंने रो को कंप्लीट कर लिया है, एज स्टिच को भी हम सीधा बना लेंगे। तो ऐसे हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो जाती है। रॉन्ग साइड में आ चुके हैं 4th रो पर, 4th रो को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे।
तो इस तरह हमारी फोर्थ रो रॉन्ग साइड से कंप्लीट हो जाती है। फिफ्थ रो पर आ चुके हैं हम। फिफ्थ रो में एज स्टिच को स्लिप कर लेंगे और चार बंदे बनाएंगे सीधे, एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे बनाने के बाद जो हमने यहाँ पर धागा छोड़ा था ना, दो धागे निकाले थे हमने, स्लिप किया था फंदों को, उनके नीचे से हम नीडल लेंगे और इस फंदे में इंसर्ट करेंगे, इसको हम सीधा बना लेंगे और इसके नीचे से ही वापस लेके आएंगे, एक लूप बना लेंगे ऐसे ढीला सा, थोड़ा लूज लूप बना लेना है। इसके बाद हमने पाँच फंदे सीधे बनाने हैं, एक दो तीन चार पाँच। यहाँ पर देखिए प्रोसेस सेम रहेगा, स्टार्टिंग में हमारे चार फंदे रहेंगे, सेंटर में हमारे जो सीधे फंदे आएंगे वो पांच पांच का सेट आएगा, तो इसके इन दो फंदों के नीचे से हमने ऐसे नीडल निकालनी है, इसमें इंसर्ट कर लेने हैं, इस फंदे को सीधा बना लेंगे और नीचे से वापस ऐसे निकाल लेंगे, थोड़ा लूज लूप बनाएंगे हम, फिर से पाँच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदे सीधे बनाने के बाद इन दो धागों के नीचे से हमने नीडल ऐसे इंसर्ट करनी है और एक लूप बना लेना है। लास्ट में चार फंदे बचेंगे, उनको सीधा बना लेंगे, एक दो तीन चार, एज स्टिच को सीधा बना लेंगे। तो इस तरह हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर स्टार्टिंग और लास्ट में चार चार फंदे बचेंगे हमारे सीधे, बीच में जितने भी हमारे पैटर्न होंगे जितने भी, उनमें सब में हमने पांच पांच फंदों का सेट बनाना है। सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड, सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड में हम पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट स्टिच को स्लिप कर लेने के बाद पूरे फंदों को हमने उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। तो ऐसे उल्टा बुनते जाना है, बहुत आसानी से ये पैटर्न बन जाता है। बिगनर भी इसको आसानी से बना सकते हैं, इतना आसान ये पैटर्न है। तो ऐसे हमारी सिक्स्थ रो कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ हमारा एक पैटर्न जो है बनके कंप्लीट हो जाता है। ऐसे देखिए कितना शानदार है और कितनी आसानी से बन चुका है। ऐसे अगर हम इन छह सिलाइयों को, सिक्स रो को बार बार रिपीट करते जाएंगे, बहुत शानदार पैटर्न बनता जाता है। फुल प्रोजेक्ट में अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसका लुक ऐसे नज़र आएगा। देखिए कितना सुंदर लगता है, हर कलर में इसका लुक बहुत सुंदर लगता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। बेल आइकन का ये बेनिफिट होता है कि अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।